हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 21 से लेकर के 31 मार्च तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ठीक, आज की वीडियो चालू करने से पहले आप में से बहुत लोग का ये शिकायत आता है कि वीडियो के जो बोर्ड में लिखे हुए अक्षर है वो हमें दिखाई नहीं देते। उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने YouTube वीडियो की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी वाले ऑप्शन में जा करके इसे 360p यानी 360 पिक्सल पे जाके सेट कीजिए। 144 और 240 पे ये आपका नहीं, जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें है वो नहीं दिखाई देगी। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप YouTube के वीडियो क्वालिटी में जा करके उसे 360 पिक्सल पे सेट कीजिए। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए ऊपर बेदी की पहाड़ी ये मौजूद है आपके केशकाल कोंडागांव जिले के केशकाल में मौजूद है आपके ऊपर बेदी की पहाड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ऊपर बेदी की पहाड़ियां कहां मौजूद है, तो कोंडागांव जिले में। देखिए अभी हाल फिलहाल में ये ऊपर बेदी की पहाड़ी चर्चा में रहा, क्यों रहा, क्योंकि यहां पर मिले आपके शैल चित्र। इस ऊपर बेदी कोंडागांव जिले के ऊपर बेदी पहाड़ी पर मिले हैं आपके शैल चित्र, और ये शैल चित्र जिसमें बने हुए थे महिलाओं और पुरुषों के चित्र। ठीक है, कोंडागांव जिले के ऊपर बेदी पहाड़ी में शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र खोजे गए हैं पुरातात्विक विदों के द्वारा, जिसमें बहुतायत मात्रा में महिलाओं और पुरुषों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर बेदी की पहाड़ी जो कि शैल चित्र के कारण चर्चा में रहा, ऊपर बेदी की पहाड़ी कहां पर मौजूद है पूछा जाए तो कोंडागांव जिला केशकाल में। ठीक, नेक्स्ट देखिए 3 नए मेडिकल कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का जो प्रस्ताव दिया गया था उसे मंजूर कर लिया गया है। देखिए किस जिले में आपका मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी मिली है, एक है आपका महासमुंद जिला, दूसरा है कोरबा, तीसरा है कांकेर। महासमुंद कोरबा कांकेर 3 जिले। ठीक है, 3 जिले कौन कौन से है, महासमुंद, कोरबा और कांकेर, इन 3 जिलों में आपके नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। देखिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज पूरे भारत भर में खोले जाते हैं। देखिए ये स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने इन 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। देखिए इन 3 नए मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को, यानी हर एक मेडिकल कॉलेज को उसके भवन निर्माण और पूरे सेटअप के लिए 325 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। एक मेडिकल कॉलेज को बनने के लिए 325 करोड़ की लागत लग रही है, यानी 325 325 325 तीनों मेडिकल कॉलेज, यानी हर एक मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण से लेकर के उसका पूरा सेटअप लगाने के लिए 325 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी है, यानी इस लागत मूल्य में जो उनकी हिस्सेदारी है वो 60% रेशियो आपके 40% है, यानी केंद्र सरकार इन 325 करोड़ रुपए में से 60% केंद्र सरकार देगा, जबकि 40% का है जो व्यय होगा उसका वहन उठाएगा हमारा राज्य सरकार। जैसे इस 325 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार 195 करोड़ रुपए का जो व्यय है उसे वहन करेगा, जबकि जो राज्य सरकार है वो 130 करोड़ रुपए के व्यय का वहन करेगा, 60:40%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के बाद हमारे प्रदेश में जो मेडिकल सीटों की संख्या है वो 450 बढ़ जाएगी, यानी हर एक मेडिकल कॉलेज में 150 सीट, हर एक मेडिकल कॉलेज में आपकी 150 सीट होगी, तो 3 मेडिकल कॉलेज यानी 450 सीटें बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल आपके 9 मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में आपके कुल 9 मेडिकल कॉलेज है। देखिए कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर है नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि रायपुर जिला में स्थित है, दूसरा है आपका सिम्स जो कि आपके बिलासपुर में स्थित है, तीसरा एक शासकीय जो आपका मेडिकल कॉलेज है यानी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो है आपके रायगढ़ में, एक है आपके जगदलपुर में, एक है राजनांदगांव में, एक है आपका अंबिकापुर में, ये सभी आपके शासकीय मेडिकल कॉलेज के यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक, देखिए एक है नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में, दूसरा सिम्स है बिलासपुर में, तीसरा है आपका रायगढ़ में, चौथा है आपका जगदलपुर में, पांचवा है राजनांदगांव में, छठवा है आपका अंबिकापुर में। ठीक, ये सभी के सभी आपके गवर्नमेंट के हैं। उसके बाद 3 है आपके प्राइवेट सेक्टर के आपके मेडिकल कॉलेज, एक है आपका रिम्स जो कि है रायपुर में, एक है आपका शंकराचार्य जो कि है भिलाई में, और एक है चंदूलाल मेडिकल कॉलेज जो कि मौजूद है आपके दुर्ग जिले में। वर्तमान में हमारे प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज की संख्या पूछी जाए तो वो है आपकी 9।
ठीक, एक है नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर, दूसरा सिम्स बिलासपुर, तीसरा है आपका रायगढ़, चौथा जगदलपुर, पांचवा राजनांदगांव, छठवां अंबिकापुर, सातवां रिम्स, आठवां शंकराचार्य भिलाई और नौवां है आपका चंदूलाल मेडिकल कॉलेज दुर्ग। ठीक, तो लास्ट के जो आपके रिम्स, शंकराचार्य और चंदूलाल है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी मिली है, अब जब ये खुल जाएंगे तो इनकी संख्या 9 से बढ़कर हो जाएगी 12। ठीक, नेक्स्ट देखिए नाम परिवर्तन। हमारे प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा दो आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन किए जाने की घोषणा की गई है, कौन कौन से है। सबसे पहले नंबर पर है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है उसका नाम परिवर्तित करके चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय रखे जाने की घोषणा की गई है। देखिए ये जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? रायपुर जिले में। रायपुर जिले में वर्ष 2005 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला तथा देश का दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। ठीक है, देखिए ये जो आपके चंदूलाल चंद्राकर है ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इस जो कॉलेज का नाम यानी कुशाभाऊ ठाकरे कॉलेज का नाम परिवर्तित करके चंदूलाल चंद्राकर के नाम पे किया गया है। ठीक, दूसरा ये जो चंदूलाल चंद्राकर है ये आपके पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। ठीक है, तो ये जो आपके कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है उसका नाम परिवर्तित करके चंदूलाल चंद्राकर आपका विश्वविद्यालय रखा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कामधेनु पशु विश्वविद्यालय। कामधेनु पशु विश्वविद्यालय जिसका नाम परिवर्तित करके रखा जा रहा है आपका वासुदेव चंद्राकर पशु विश्वविद्यालय। देखिए इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में, ये मौजूद है आपके दुर्ग जिले में, अंजोरा, अंजोरा के दुर्ग जिले में मौजूद है आपका कामधेनु विश्वविद्यालय जिसका नाम परिवर्तित करके रखा जा रहा है वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। ठीक, देखिए अब ये जो वासुदेव चंद्राकर है इनका बैकग्राउंड जान लीजिए। ये वासुदेव चंद्राकर आपके वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के राजनीतिक गुरु है। ठीक है, न्यूज में खबर आई थी कि जो वासुदेव चंद्राकर जी है ये हमारे तत्कालीन जो आपके मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी उनके ये वर्तमान में उनके ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक, इसके अलावा ये हमारे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, विराट पिछड़ा वर्ग सम्मेलन 1992 अर्जुंदा में। अर्जुंदा में इन्होंने विराट पिछड़ा वर्ग सम्मेलन 1992 एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठाई थी, यानी एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की इन्होंने मांग उठाई थी अर्जुंदा में आयोजित सम्मेलन, विराट पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा बैकग्राउंड है। नेक्स्ट देखिए बीएनसी मिल। बीएनसी मिल जो कि मौजूद है राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव जिले में जो बीएनसी मिल मौजूद है, देखिए अलग अलग बुक में इसके स्थापना के लिए अलग अलग वर्ष दिए गए हैं। जो करंट न्यूज में जो खबर आई है हम आज उस पर डिस्कस कर रहे हैं, बीएनसी मिल। ठीक, तो ये जो बीएनसी मिल है, इस बीएनसी मिल जो मौजूद है आपके राजनांदगांव जिले में, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1886 में। 1886 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जो आपके राजनांदगांव रियासत के जो उस समय के जो राजा थे, तत्कालीन राजा थे बलराम दास, बलराम दास के प्रयासों से इस बीएनसी मिल की स्थापना हुई थी। ठीक, ये बीएनसी मिल आपका बंद हुआ वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में इस बीएनसी मिल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे पुनः व्यावसायिक रूप से प्रारंभ किए जाने की अभी एक बात चल रही है, यानी उनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के द्वारा कि इसे पुनः व्यावसायिक तौर पर इसे प्रारंभ किया जाए। ठीक है, तो बीएनसी मिल जिसकी स्थापना 1886 में जो राजनांदगांव रियासत के जो राजा थे आपके बलराम दास जी उनके प्रयासों से ये प्रारंभ किया गया था, जो बंद हुआ आपके वर्ष 2000 में, ये उच्च क्वालिटी के मच्छरदानी, जो मच्छरों से सुरक्षा के लिए जो बनाए जाते हैं मच्छरदानी, मच्छरदानी के निर्यात के लिए फेमस था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क, पूरे देश भर में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क खोले जाने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के टेडेसरा क्षेत्र को इस मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए चिन्हित किया गया है। पूरे देश भर में 4 जगहों पे, पूरे देश के 4 स्थानों में मेडिकल डिवाइस पार्क खोले जाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। उन 4 स्थानों में से एक है हमारे छत्तीसगढ़ के टेडेसरा, राजनांदगांव जिले का टेडेसरा,
जहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क खोले जाने की मंजूरी मिली है। ठीक, यहां पर मेडिकल यानी जो आपके हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो मशीनरी यूज होते हैं, उससे रिलेटेड यहां पर कार्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्रमिक न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते। अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा हमारे प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम भत्ता यानी जो न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई, यानी मिनिमम श्रमिकों को उनकी कुशलता के आधार पर श्रमिकों को कम से कम उतना वेतन प्रतिदिन देना ही होगा। देखिए इसमें मैंने टेबुलेशन फॉर्म में बनाया, थोड़ा समझिएगा। एक है श्रमिक वर्ग और प्रतिदिन वेतन, यानी हर रोज के आधार पर उन्हें कितना वेतन देना होगा उनकी कुशलता के आधार पर। पहले नंबर पर है आपके उच्च कुशल श्रमिक, उच्च कुशल श्रमिक जिन्हें प्रतिदिन ₹446 प्रतिदिन का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है आपके कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक जिन्हें ₹416 प्रतिदिन न्यूनतम वेतन मिलेगा। तीसरे नंबर पर है अर्ध कुशल श्रमिक जिन्हें ₹386 प्रतिदिन उन्हें न्यूनतम वेतन मिलेगा। और चौथे नंबर पर है अकुशल श्रमिक जिन्हें ₹361 प्रतिदिन उन्हें न्यूनतम वेतन मिलेगा महंगाई भत्ते के साथ। ठीक है, देखिए उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल। ठीक है, देखिए उच्च कुशल जिसमें मैनेजमेंट लेवल के जो कर्मचारी है वो आते हैं, उसके बाद कुशल उससे कम लेवल के, फिर उसके बाद है अर्ध कुशल जिन्हें थोड़ा बहुत कार्य आता है, अकुशल जो कि ठेका मजदूर। ठीक है, ठेका मजदूर इस अकुशल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस ये जो श्रेणी के आधार पर उन्हें प्रतिदिन न्यूनतम वेतन कितना दिया जाना चाहिए छत्तीसगढ़ में, उसके उसके लिए हमारे कैबिनेट के द्वारा एक ये निर्णय लिया गया है कि उच्च कुशल श्रमिकों को आपको ₹446 न्यूनतम वेतन मिलेगा, कुशल श्रमिकों को ₹416, अर्ध कुशल श्रमिकों को ₹386 और अकुशल श्रमिकों को ₹361 न्यूनतम वेतन मिलेगा। ठीक, इन अर्ध कुशल श्रमिकों में मनरेगा मजदूर शामिल नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक अलग से उसमें बोला गया है कि पांचवें नंबर पर कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिकों को ₹352 प्रतिदिन या ₹7,555 प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा। ठीक है, हमारे प्रदेश के कृषि श्रमिकों को ₹352 प्रतिदिन या ₹7,555 प्रति माह की दर से उन्हें न्यूनतम वेतन मिलेगा। नेक्स्ट, अगरबत्ती निर्माण कार्य में लगे हुए जो लोग हैं या लगे हुए जो आपके श्रमिक हैं उन्हें प्रति हजार, यहां ध्यान दीजिएगा प्रतिदिन नहीं है, प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में 30.35 यानी ₹30.35 और एक और है ₹29.65। देखिए ये अगरबत्ती के क्वालिटी के आधार पर है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन प्रति हजार अगरबत्ती के क्वालिटी के आधार पर प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण पर ₹30.35 या प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण पर ₹29.65 की दर से उन्हें भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल को थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा मजदूरी दर, अभी हाल फिलहाल में इस नए वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा मजदूरों को हमारे प्रदेश में आपका ₹190 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये लागू होगा आपके 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल यानी अब लागू हो चुका है। हमारे प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को आपका ₹190 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। पूरा ओवरऑल इंडिया में ये सबसे कम है, ₹190 प्रतिदिन ओवरऑल इंडिया में सबसे कम है। पूरे इंडिया भर के जो अदर स्टेट है उसमें ₹200 से अधिक भुगतान किया जा रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ₹190 प्रतिदिन है। जो पिछला आपका जो मजदूरी दर था वो था आपका ₹176 प्रतिदिन, जिसमें ₹14 की मात्र वृद्धि की गई है, अब वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 के बाद से मनरेगा मजदूरों को आपका ₹190 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। देखिए वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2018-19 के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हमारे प्रदेश में 91.04 लाख रजिस्टर्ड मनरेगा मजदूर मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में आपका 91.04 लाख रजिस्टर्ड मनरेगा मजदूर मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा भैया लाल हेड़ाऊ। ठीक, भैया लाल हेड़ाऊ जिनका हाल फिलहाल में आपका निधन हुआ है। ये जो भैया लाल हेड़ाऊ है ये आपके फेमस है गायकी और अपने अभिनय के लिए, गायकी और अपने अभिनय में इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया। देखिए ये जो आपके भैया लाल हेड़ाऊ है इन्हें बरसाती भैया के नाम से जाना जाता था, हमारे प्रदेश में इन्हें बरसाती भैया के नाम से जाना जाता था, जो कि आकाशवाणी के एक कार्यक्रम चौपाल में अपनी प्रस्तुति देते थे।
चौपाल, आकाशवाणी कार्यक्रम चौपाल में बरसाती भैया के नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि गायकी और अपने अभिनय के लिए ख्याति प्राप्त थे, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो भैया लाल हेड़ऊ, जिन्हें बरसाती भैया के नाम से जाना जाता था, जो कि अपने अभिनय और गायकी के लिए ख्याति प्राप्त थे। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें बताई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।